ऑब्वियसली हम लोगों ने, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो हम इस पर्टिकुलर ट्राई इट बटन पे क्लिक करने के लिए ट्राई कर रहे थे, राइट? सो व्हाट वी कैन डू गाइस, वी कैन सिंपली प्रोग्राम और वी कैन क्रिएट वन सेपरेट क्लास. इनसाइड द सेपरेट क्लास इटसेल्फ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ एग्जैक्टली वी वुड बी एबल टू स्विच इनटू द फ्रेम्स. ठीक है, सो आई कैन राइट इट लाइक दिस, माई फ्रेम स्विचेस, या फिर फ्रेम स्विच करके मैं लिख सकता हूँ, राइट? सो आई नीड द मेन मेथड. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, व्हाट आई हैव टू डू, द इनिशियल कोड जो मुझे लगेगा, दैट आई बी कॉपी पेस्टिंग. ठीक है, आई होप आप लोग कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हो, खुद से कर रहे हो. इनिशियल जो लाइन ऑफ कोड्स है, दैट यू गाइज आर डूइंग इट बाई योर सेल्फ. ठीक है, सो गाइज, ये मेरा यू नो बेसिक सा पेज है. इसमें से मुझे इस पर्टिकुलर विंडो पे जाना है, सो आई कैन अपडेट द यूआरएल. सो दिस इज समथिंग आई एम लुकिंग आउट फॉर गाइज. इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट पे मुझे जाना है, सो ये मैंने यहाँ पर दे दिया. ठीक है, एंड नाउ वन मोर थिंग, मैं गाइज कुछ कोड वगैरह यहाँ से फिर से कॉपी पेस्ट करने का ट्राई करूँगा. सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द फ्रेम स्विचिंग इज. सो ये हमारा बटन है, देन हम लोग पॉपअप को वगैरह कुछ हैंडल कर रहे हैं. ठीक है, एंड दैट्स इट गाइस. ये कुछ एक्टिविटीज हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, सॉरी. तो लेट्स कॉपी दिस कोड एंड लेट्स कम अप हियर. ओके, सो हियर गाइस वी विल बी डूइंग सडन एक्टिविटीज. तो फिलहाल गाइज मैं कुछ चीजें यहाँ पे अचीव करने का ट्राई कर रहा हूँ. दैट यू नीड टू इंश्योर वन थिंग हियर, यू नीड टू इंश्योर वन थिंग हियर दैट, जस्ट अ मिनट. ओके, सो लेट मी एड दिस थ्रोज डिक्लेरेशन. द फर्स्ट थिंग इज कि ऐसे मान के चलो मैं ये ट्राइड बटन पे क्लिक करने जा रहा हूँ, तो जनरली हमें क्या लगता है, ये ट्राइड बटन है, इसके ऊपर मैं डायरेक्टली क्लिक कर दूंगा, मेरा काम हो जाएगा. नो, इट इज नॉट लाइक दैट. अगर ये मैं फ्रेम स्विच नहीं कर रहा हूँ, एवरी वन, इफ आई एम नॉट डूइंग दिस फ्रेम स्विच, देखो फिलहाल मैं इस कोड को, इस पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड को गाइज मैं कमेंट आउट कर देता हूँ. आई एम जस्ट कमेंटिंग दिस कोड. फिलहाल मैंने इस कोड को गाइज कमेंट कर लिया, मैंने इस कोड को कमेंट कर लिया. नाउ इफ आई गाइज, यहाँ पर मेरा 20 सेकेंड का इम्प्लीसिट वेट है और 30 सेकेंड का मेरा पेज लोड आउट का वेट है. अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो ये 20 सेकेंड 30 सेकेंड तक गाइज ये चीज़ें करेगा, इस एलिमेंट को ढूंढते रहेगा, ये ढूंढते रहेगा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, और उसके ऊपर क्लिक करने का ये क्लिक एक्शन ट्राई करेगा. ठीक है गाइज, दिस इज वॉट एक्चुअली वी आर एक्सपेक्टिंग. तो अगर मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करूंगा गाइस, इनिशियली आपको 20 सेकेंड 30 सेकेंड कुछ एरर नहीं आएगा, बट आफ्टर 20 30 सेकेंड आपको एक एरर आ जाएगा, दैट इज नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन. बट गाइस अगर आप एक्सपाथ देखोगे तो एक्सपाथ तो करेक्ट है, बट ये ट्राइड बटन पे क्लिक नहीं हो रहा है, ये ट्राइड बटन पे क्लिक नहीं हो रहा है. तो अगर ये पर्टिकुलर ट्राइड बटन पे क्लिक नहीं हो रहा है तो इसका रीजन क्या है, ये आपको जानना पड़ेगा. वॉट इज द एग्जैक्ट रीजन, अगर आप यहाँ पर देखोगे गाइस, आफ्टर 20 30 सेकेंड, जैसे ये टाइम आउट खत्म हो जाएगा, यू विल गेट वन एक्सेप्शन दैट इज स्टेटिंग नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, कि ये बोल रहा है कि ये जो आपने एक्सपाथ दिया है बटन टेक्स्ट इक्वल्स टू ट्राइट, ये करेक्ट नहीं है. तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरा तो एक्सपाथ रॉन्ग है. सो हाउ एग्जैक्टली वी कैन वेरीफाई कि ये आपका एक्सपाथ करेक्ट है कि नहीं है, तो सिंपली यू विल डू वन थिंग, यू विल बी डूइंग वन थिंग गाइज. आप लोग यहाँ पर चले जाओगे, यू विल कॉपी दिस एक्सपाथ, सिंपली यू विल कॉपी दिस एक्सपाथ, यू विल पेस्ट इट समवेयर हियर. आप यहाँ पर आके देख सकते हो कि क्या आपका एक्सपाथ करेक्ट है क्या. सो लेट मी डू इट हियर, मैं यहाँ पर ही इंस्पेक्ट कर लेता हूँ. ठीक है गाइज, एंड मैं यहीं पर पेस्ट कर लेता हूँ लाइक दिस. आई एम जस्ट पेस्टिंग माई एक्सपाथ. तो मेरा एक्सपाथ, सॉरी नॉट दिस वन, दिस वन. सो अगर मैं ये एक्सपाथ कॉपी करता हूँ गाइस, ये एक्सपाथ अगर मैं कॉपी करता हूँ, तो देखो ये मुझे एक्सपाथ तो मिल रहा है, ये ट्राइड बटन मुझे मिल रहा है, देर इज नो इशू विद दिस ट्राइड बटन. ट्राइड बटन आपका यहाँ पर विजिबल है, ये एक्सपाथ का इशू नहीं है. सो व्हाट इज द इशू, व्हाट इज द इशू, इशू इज कि ये आपका पेज एंटायरली पेज एक आई फ्रेम के अंदर है. सो यू नीड टू इंश्योर वन थिंग, यहाँ पर आपको एक डॉट टाइप करके दिखेगा,
यहाँ पर आपको एक आई फ्रेम दिखेगा। अगर आपके पेज में कहीं पे आई फ्रेम है तो यू नीड टू स्विच फ्रॉम दैट पर्टिकुलर आई फ्रेम टू दिस पर्टिकुलर आई फ्रेम। ठीक है गाइस, आप कहीं पे और दूसरे आई फ्रेम के अंदर हो, यू आर इन टू अनादर आई फ्रेम, आप दूसरे किसी आई फ्रेम में हो, दैट वी नीड टू फाइंड इट आउट। अगर हमें यहाँ पे मिलता है तो आई गाइज आई के आई वुड बी एबल टू शो इट अप समवेयर हियर गाइज। अगर आप देखोगे तो आपका कंट्रोल कहीं पे यहाँ पर है, समवेयर हियर यू आर इनसाइड दिस, आप ये बॉडी के अंदर यहाँ पर कहीं पे हो। और गाइज ये बॉडी के अंदर ये डिव है, और आपका जो रिस्पेक्टेड, आपको जो एक्सपेक्टेड आई फ्रेम है ये यहाँ पर कहीं पर है। तो ये कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि फ्रेम है कि नहीं है? तो गाइज फ्रेम है कि नहीं है, इसको चेक करने का कोई अलग तरीका नहीं है। आपको आपका जो ये प्रॉपरली डॉम स्ट्रक्चर है इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। इसके अंदर अगर फ्रेम है तो ये आपको इंस्पेक्ट करना पड़ेगा, दिस इज योर वर्क। ओके गाइज, सो सबसे पहले अगर ये आई फ्रेम है तो इस आई फ्रेम के अंदर हमें स्विच करना पड़ता है। सो हाउ टू डू द स्विचिंग इन टू द आई फ्रेम, आप आई फ्रेम के अंदर स्विच कैसे कर सकते हो? तो आई फ्रेम के अंदर स्विच करने के लिए गाइज वी हैव वन मेथड, हमारे पास एक मेथड है गाइज, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम करके मेथड आती है, जिससे कि आप फ्रेम में स्विच कर सकते हो, यू कैन स्विच इन टू द फ्रेम। अभी इस फ्रेम के अंदर गाइज ये ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम जब बोलते हो, फ्रेम स्विचिंग के कुछ अलग अलग मेथड्स अवेलेबल है यहाँ पर, यू कैन सी इट। आप फ्रेम में इंटीजर इंडेक्स भी दे सकते हो, पूरे पेज में जितने फ्रेम हैं उसका डायरेक्टली आप इंडेक्स भी पास कर सकते हो, या फिर स्ट्रिंग आपके फ्रेम का नेम भी दे सकते हो। इफ नेम एट्रीब्यूट अवेलेबल है या फिर आईडी एट्रीब्यूट अवेलेबल है, यू कैन पास द आईडी और नेम एट्रीब्यूट डायरेक्टली हियर एज इन स्ट्रिंग। या फिर गाइज हम लोग एज यूजुअल जैसे एक्सपाथ फाइंड आउट करते हैं, वैसे एक्सपाथ फाइंड आउट करके उसको वेब एलिमेंट में स्टोर करो। और तीसरा जो मेथड है फ्रेम, इसके ब्रैकेट में पेरेंथिसिस में देखो आर्ग्यूमेंट में कि ये वेब एलिमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है। सो ये तीनों टाइप में से कोई भी आर्ग्यूमेंट आप दे सकते हो। सो गाइज मैंने क्या किया, मैंने आप कभी भी आईडी या फिर नेम डायरेक्टली पास मत करना गाइज। अगर आप आपके प्रोजेक्ट में अवेलेबल है, यूज होता है, तो भी आप लोग एक चीज जरूर करना, जब भी आपको फ्रेम मिलेगा उसको एक वेब एलिमेंट में स्टोर करने का आदत लगा लो। और इसको गाइज सिंपली ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट, मैं यहाँ पर फ्रेम स्विचिंग बोलूंगा, और इस फ्रेम स्विचिंग में मैं ये जो वेब एलिमेंट है इसके इसको इसको यहाँ पे पास कर दूंगा। तो ये गाइज मेरा फ्रेम अभी स्विच हो जाएगा। वंस आई स्विच इन टू द फ्रेम गाइज, इस तरीके से मैंने फ्रेम में स्विच कर लिया, अभी मेरा कंट्रोल इस वेब पेज के ये वाले पार्ट के अंदर आ गया, इस आई फ्रेम के अंदर आ गया। और इस आई फ्रेम के अंदर जो भी बटन है मेरा, वो इसको मैं इंस्पेक्ट कर सकता हूँ, उसके ऊपर मैं क्लिक कर सकता हूँ। क्लियर गाइज, ये आई फ्रेम का स्विचिंग कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको, हाउ टू स्विच इन टू द फ्रेम एवरीवन। अगर आपको अलर्ट समझा है, चाइल्ड विंडो समझा है, ये तो बहुत ईजी है। एनी क्वेश्चन हियर गाइज टू द फ्रेम एवरीवन? फ्रेम के ऊपर किसी को क्वेश्चन है? एनीवन? डज एनी वन हैव एनी क्वेश्चन हियर? तो गाइज अभी मैंने ये फ्रेम पे स्विच कर दिया, ये दो लाइन समझा है क्या सबको एवरीवन? ये फ्रेम स्विचिंग समझा है क्या? राइट, जैसे हम लोग फ्रेम स्विच करेंगे गाइज, इस फ्रेम के अंदर जो भी मेरा ट्राइड बटन है इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, पॉपअप अपियर होगा, पॉपअप को मैं हैंडल कर लूंगा एवरीवन, लाइक दिस आई एम हैंडलिंग माई पॉपअप। सो सिंपली गाइज नाउ आई एम एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम, और आपको पता है फर्स्ट टाइम ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, और अभी अगर आप इसको फ्रेम हैंडल करोगे तो ये प्रोग्राम आपका प्रॉपरली हैंडल हो जाएगा, प्रॉपरली इसको वर्क करना चाहिए। नाउ दिस इज वॉट योर प्रोग्राम इज गाइज, फ्रेम स्विच हुआ, ट्राइड बटन पे क्लिक हुआ, अलर्ट आया, अलर्ट हैंडल भी हुआ, दैट्स इट गाइज, यू आर डन विद इट। क्लियर गाइज, एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू फ्रेम स्विच? Do we have any questions, guys? सर डिफॉल्ट कौन से फ्रेम पे करंटली फोकस्ड है वो कैसे पता चलेगा हमको? ये आपको इंस्पेक्ट करके ही पता चलेगा, ऐसा जैसे मैंने बोला, ये आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो कि आप कौन से फ्रेम में हो। ओके ओके ओके, सो सेलेनियम से तो एटलीस्ट नहीं कर सकते हो कि आप कौन से फ्रेम में हो, ऐसा कोई मेथड आपको अवेलेबल नहीं है। सिंपली आपको ये इंस्पेक्ट करके ही पता चलेगा कि आप एग्जैक्टली कहाँ पर हो और आपको कहाँ से कहाँ पर जाना है। तो इसके लिए आपको ये डॉम स्ट्रक्चर जो है ये इसे यूज टू होना पड़ेगा, ये ही एक तरीका है। इसीलिए फ्रेम स्विचिंग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हो जाता है, ये फ्रेम स्विचिंग तो है बहुत ईजी,
बट बहुत सारे लोग इसको कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। तो देखो ये एक डिव है, इस डिव के अंदर भी एक कोई आई फ्रेम होगा, इस डिव के अंदर जैसे आई फ्रेम है लाइक दिस, ये एक डिव है, दिस अगेन यू हैव अ वन डिव, ये एक एंटायरली एक डिव है, ये एक डिव है, इस डिव के अंदर ये मल्टीपल डिव्स है, 1 2 एंड ये ऊपर वाला डिव कहाँ पे वी आर अनएबल टू लोकेट इट। तो दिस इज द फर्स्ट डिव एंड दिस इज द सेकेंड डिव, ये डिव के अंदर है। और इस डिव को अगर आप यू नो डी एक्सपांड करोगे तो हियर यू कैन सी ये वाला रन विंडो है जो ऊपर आपको रन विंडो दिख रहा है, ये वाला है राइट। इसके अंदर भी कुछ आई फ्रेम हो सकता है, इसके अंदर आई फ्रेम है क्या देख सकते हैं हम लोग, नहीं है आई फ्रेम नहीं है। तो यू नो यू डोंट नीड टू स्विच इन टू दैट आई फ्रेम हियर स्पेसिफिकली, यहाँ से आपका बॉडी स्टार्ट हो रहा है। सो इफ़ यू सी इट, इफ यू लुक एट द बॉडी, आपका इंटायरली बॉडी टैग के अंदर होता है, बॉडी टैग के अंदर ये डीव है, यहाँ आपका कंट्रोल बॉडी टैग के अंदर आया है इनिशियली, यहाँ पर आपका कंट्रोल है, यहाँ से आपको कहाँ पे जाना है, यू नीड टू लोकेट इट फर्स्ट, आपको एग्जैक्टली कौन से डीव में जाना है। ओके यू नीड टू कम इन टू दिस डीव, आप इसमें चले गए तो इसमें भी इसको आपको बहुत सारे डीव मिल गए, जैसे कि ये फर्स्ट लेफ्ट वाला लेफ्ट डीव पेन है, ये राइट वाला डीव पेन है, आपको कहाँ पे जाना है, राइट डीव पे जाना है। इस राइट डिव के अंदर आप जाके देखोगे ओके आई फ्रेम है, यही पे आपको आई फ्रेम दिख गया, दिख रहा है ये डिव आई डी आई फ्रेम। और जब भी आई फ्रेम होता है, आई फ्रेम टैग से स्टार्ट होता है, सो यहाँ पर आपको आई फ्रेम के रिलेटेड सारी चीज़ें दिखेगी। और ये आई फ्रेम के अंदर अगर आप आओगे तो आई फ्रेम के अंदर ये यहाँ पर डॉक टाइप एच टी एम एल हेड बॉडी, यहाँ से पूरा आपका न्यू एच टी एम एल पेज चालू हो जाता है। सो आई फ्रेम इज नथिंग बट द एक एम्बेडेड विंडो होता है जो कि आपके एंटायर वेब पेज में कहीं पे भी एक सेपरेट विंडो की तरह काम करता है। आपको लगने के लिए लगता है कि वो एक सेम विंडो का पार्ट है, बट नो दिस इज नॉट द यस इट दैट इज नॉट 100% ट्रू। हाँ वो आपके मेन विंडो का पार्ट है, बट इस विंडो में एक इंडिविजुअली सेपरेट विंडो वर्क कर रहा है जिसको आई फ्रेम के थ्रू लिखा जाता है राइट। तो अगर इस आई फ्रेम में जाना है आपको, इस बॉडी इस आई फ्रेम के बॉडी के अंदर जाना है, तो यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू स्विच इन टू दिस फ्रेम। आपको यहाँ पर डॉम को बोलना पड़ेगा कि मेरा कंट्रोल आई फ्रेम के अंदर स्विच करवा कर दो लाइक दिस, क्लियर। तो इसका कोई और तरीका नहीं है, इसको आपको खुद को इंस्पेक्ट करना पड़ेगा एवरीवन। ऑलराइट सो दिस इज वेरी सिंपल, ये driver.driver.switch2. स्विच टू डॉट फ्रेम आप करोगे, यहां से अगर आपको फिर से पेरेंट विंडो पे जाना है, मतलब नॉट पेरेंट विंडो, यहां से आपको पेरेंट फ्रेम पे जाना है, इस चाइल्ड फ्रेम से वट एवर द चाइल्ड फ्रेम है, यहाँ से आपको पेरेंट फ्रेम में जाना है, जो भी इसका पेरेंट फ्रेम है इसके अंदर अगर आपको जाना है तो यू हैव अ टू ऑप्शन, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलता है। एक होता है ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट पेरेंट फ्रेम करके एक आता है, पेरेंट फ्रेम करके एक मेथड आता है, या फिर आप डिफॉल्ट कंटेंट आप यूज कर सकते हो, डिफॉल्ट कंटेंट, या फिर आप पेरेंट फ्रेम के थ्रू आप पेरेंट फ्रेम पे जा सकते हो। दोनों में कुछ डिफरेंस है दैट वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व इट, वी आर गोइंग टू सी इट, वो आज हमारा टॉपिक है। सो आई एम स्विचिंग टू द पेरेंट फ्रेम। तो आपको पेरेंट फ्रेम में बताने की जरूरत नहीं है कौन सी पेरेंट फ्रेम है, चाइल्ड में बताने की जरूरत है कि आपको कौन से चाइल्ड फ्रेम में आपको नेविगेट करना है, स्विच करना है। पेरेंट कौन है आपको पता है ऑलरेडी, हम या इस फ्रेम में इसका पेरेंट जो है ये ऑलरेडी डॉम को पता है, तो ये डॉम उस इस पर्टिकुलर फ्रेम के पेरेंट फ्रेम में चले जाएगा लाइक दिस। पर यहाँ पर आके आप जैसे system.out.println अगर आप करोगे, इस प्रिंट एलेन में अगर करंट URL करोगे दैट इज ड्राइवर डॉट गेट करंट URL, तो ये करंट URL भी आपको दे देगा, ठीक है, करंट URL भी आपको प्रिंट करके दे देगा। देन एक और चीज़ आप कर सकते हो system.out.println, आप इसका टाइटल भी ग्रैब कर सकते हो, यू कैन ग्रैब द टाइटल वेरी सिंपल। तो यहाँ पर आपको सिर्फ करना पड़ेगा driver.getTitle, आपको मेथड यूज़ करना पड़ेगा। नाउ ये पेरेंट फ्रेम पे जाएगा, पेरेंट फ्रेम के थ्रू आपका टाइटल एंड करंट URL ग्रैब करके देगा आपको, ठीक है।
लाइक दिस यू कैन स्विच टू द पेरेंट फ्रेम. एवरीवन आप पेरेंट फ्रेम पे स्विच कर सकते हो लाइक दिस बाय यूजिंग ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट पेरेंट फ्रेम. तो हियर सिंपली हम लोगों ने गाइज इस तरीके से क्लिक कर लिया. नाउ इफ यू कैन ऑब्जर्व इट तो ये आपको पेरेंट फ्रेम पे जाके उसका URL एंड उसका जो भी टाइटल है दैट इज बिन विदड्रॉन हियर. एनी क्वेश्चन हियर गाइज? कोई क्वेश्चन? ऑलराइट, फ्रेम स्विचिंग क्लियर है क्या गाइज सबको? एवरीवन? यस सर. बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक किसी को कुछ क्वेरी है? स्नेहा, आरती, एनी क्वेश्चन? सियोग, रविंद्र, कोई क्वेश्चन? अदर्स, अनिल? ऑलराइट गाइस, सी हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड फ्यू टॉपिक्स. थोड़ा सा इसको समझो. आई डोंट नो वेदर यू गाइस विल ओके, सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग गाइस. ये जो पेरेंट फ्रेम है एंड डिफॉल्ट फ्रेम डिफॉल्ट कंटेंट है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये हमें समझना है. सो पेरेंट फ्रेम एंड डिफॉल्ट कंटेंट में हमें डिफरेंस समझना है. तो मान के चलो गाइस दिस इज योर मेन फ्रेम, ये आपकी मेन फ्रेम है. दिस इज योर फ्रेम, ठीक है, मेन फ्रेम है. इसको मैं कुछ नाम दे सकता हूँ लाइक लेट्स गिव इट कि ये मेन फ्रेम है. दिस इज मेन फ्रेम, या फिर मैं इसको फ्रेम ए बोलता हूँ गाइस. दिस इज अ फ्रेम ए, ये फ्रेम ए है, ये फ्रेम ए है. इस फ्रेम ए के अंदर, इस फ्रेम के अंदर मल्टीपल फ्रेम्स हो सकती है. एवरीवन वी कैन हैव अ मल्टीपल फ्रेम्स, हमारे पास मल्टीपल फ्रेम हो सकती है. सो लेट्स से ये एक आपकी फ्रेम है, ये आपकी एक फ्रेम है, और यू हैव अनादर फ्रेम, यू हैव वन मोर फ्रेम, ये एक और आपके पास फ्रेम है, ठीक है. सो लेट मी नेम बोथ ऑफ देम. सो मैं इसको बोलता हूँ कि ये है फ्रेम, ये है फ्रेम बी, ये फ्रेम बी है. ओके एवरीवन, ये फ्रेम बी है, और ये जो मेरे पास एक और फ्रेम अवेलेबल है, दिस इज नथिंग बट द फ्रेम फ्रेम सी अवेलेबल है. तो ये मेरे पास फ्रेम्स अवेलेबल है गाइस. तो ये फ्रेम ए है, ये फ्रेम बी है, और ये फ्रेम सी है. तो गाइस मुझे बताओ, जब आपका इनिशियली आपका पेज लोड होगा तो आपका कंट्रोल कहाँ पे होगा? फ्रेम ए में होगा, फ्रेम बी में होगा, कि फ्रेम सी में होगा? फ्रेम ए में होगा. एवरीवन, एवरीवन इज अग्री ऑन दिस टॉपिक गाइस, कि हमारा कंट्रोल फिलहाल फ्रेम ए में होगा, बिकॉज फ्रेम ए इज द पेरेंट फ्रेम फॉर फ्रेम बी एंड फ्रेम सी. तो आपका कंट्रोल फिलहाल फ्रेम ए में है. अगर आपको फ्रेम ए से, अगर आपको फ्रेम ए से फ्रेम बी में जाना है, इफ यू वॉन्ट टू स्विच फ्रॉम फ्रेम ए टू फ्रेम बी, अगर आपको फ्रेम ए से फ्रेम बी में जाना है, या फिर आपको, ऑलराइट, ये का हमारा फ्रेम स्विचिंग है मान के चलते हैं. दूसरा हमारा एक और स्विचिंग है ऐसे मान के चलते हैं. सो दिस इज अगेन गाइस एक और हमारा स्विचिंग है, फ्रेम स्विचिंग है. सो अगर मुझे फ्रेम ए से फ्रेम बी में जाना है या फिर फ्रेम सी में जाना है, तो ये मुझे बताना पड़ेगा कि मुझे कौन से फ्रेम में स्विच करना है. तो यहाँ पर हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे? एवरीवन Which method we will be using? Switch to. Switch to. और कौन सा? Driver dot switch to dot. Frame करेंगे हम लोग यहाँ पर, right? So simple, very simple. यहाँ पर हम लोग लिखेंगे driver dot switch to dot switch to dot. हम लोग यहाँ पर frame लिखेंगे, और frame में guys we can pass the ID. हम लोग frame मैं आईडी वगैरह पास कर सकते हैं, वी कैन पास द आईडी. तो मैं यहाँ पर driver.driver.switch2.frame स्विच टू डॉट फ्रेम कर रहा हूँ, और इनसाइड दिस फ्रेम गाइस मैं अगर फ्रेम बी में जाना है तो बी का एड्रेस दे दूंगा, अगर मुझे सी में जाना है तो मैं सी का एड्रेस दे दूंगा. इज दैट क्लियर एवरीवन? ये टॉपिक क्लियर है सबको गाइस? दिस वन, एनीवन, कुछ क्वेरी? नाउ गाइस जैसे मैंने फ्रेम ए से मैं फ्रेम बी में चले गया, या फिर फ्रेम ए से मैं फ्रेम सी में चले गया, तो यहाँ से गाइज मैं फ्रेम बी में हूँ, मान के चलो अभी मैं फ्रेम बी में हूँ, क्या मैं फ्रेम बी से फ्रेम सी में डायरेक्टली जा सकता हूँ क्या? No. आपको देख के क्या लग रहा है गाइज, इस हायरार्की को देख के क्या लग रहा है? फ्रेम बी से मैं, मुझे फ्रेम सी में डायरेक्टली अलाउ होना चाहिए क्या स्विच करना?
नो राइट हो सकते हैं नहीं हो सकता हम लोग यहाँ पे नहीं हो सकते फ्रेम स्विच फ्रेम बी और फ्रेम सी में नहीं स्विच हो सकते बिकॉज फ्रेम बी और फ्रेम सी में कोई रिलेशन नहीं है चाइल्ड में कोई रिलेशन नहीं है गाइज आपको पेरेंट देखना है आपका पेरेंट कौन है तो अगर आप फ्रेम बी से फ्रेम सी में स्विच होना चाहते हो तो आपको सबसे पहले फ्रेम बी से कहाँ पे जाना पड़ेगा एवरीवन यू नीड टू कम बैक टू द फ्रेम ए आपको पेरेंट फ्रेम पे जाना पड़ेगा अभी फ्रेम ए का जो चाइल्ड है सी है तो यहाँ से आप ड्राइवर डॉट स्विच टू करोगे और फ्रेम सी के अंदर चले जाओगे लाइक दिस क्लियर गाइस एवरीवन क्लियर है क्या आप चाइल्ड से दूसरे चाइल्ड में एक चाइल्ड से दूसरे चाइल्ड में डायरेक्टली आप स्विच नहीं कर सकते आपको उनके पेरेंट में जाना पड़ेगा पेरेंट के थ्रू ही स्विच करना पड़ेगा ये क्लियर है सबको एवरीवन क्या ये टॉपिक क्लियर है सबको गाइस यस नो मे बी आंसर्स गाइस रिस्पॉन्सेस आर वी क्लियर हियर कि हम लोग किसी भी चाइल्ड से दूसरे चाइल्ड में डायरेक्टली नहीं जा सकते चाइल्ड से आपको पेरेंट फ्रेम में जाना पड़ेगा वहीं से आप वहां पे यू नो दूसरे फ्रेम में स्विच कर सकते हो सो हाउ टू स्विच फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट कैसे स्विच करना है गाइस तो चाइल्ड टू पेरेंट स्विच करने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि हम लोग यहाँ पर गाइस सिंपली हम लोग यहाँ पर एक कोड लिख देंगे दैट इज ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट गाइस हम लोग यहाँ पर पेरेंट फ्रेम बोलेंगे क्या बोलेंगे गाइस हम लोग यहाँ पर पेरेंट फ्रेम तो पेरेंट फ्रेम से क्या होगा हम लोग चाइल्ड से कहाँ पे चले जाएंगे फ्रॉम अ चाइल्ड हम लोग कहाँ पे चले जाएंगे फ्रॉम अ चाइल्ड टू हम लोग पेरेंट फ्रेम पे चले जाएंगे गाइस तो ये ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम और ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट पेरेंट फ्रेम इन दोनों में डिफरेंस क्लियर है सबको एवरीवन राइट तो आपको अगर चाइल्ड पे जाना है किसी पेरेंट से आपको चाइल्ड पे जाना है तो ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम और फ्रेम में उसका एड्रेस उसका नेम या फिर वेब एलिमेंट एज एन आर्ग्यूमेंट आपको पास करना पड़ेगा और अगर आप किसी चाइल्ड में हो चाइल्ड से अगर आपको पेरेंट फ्रेम में जाना है तो आप ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट पेरेंट फ्रेम का यूज करोगे क्लियर एवरीवन क्लियर है नाउ गाइज ये फ्रेम जो बी है लेट्स से वी हैव अ फ्रेम फ्रेम बी इस फ्रेम बी के अंदर हमारे पास एक और फ्रेम है गाइज लेट्स से हमारे पास एक और फ्रेम है सॉरी वी हैव दिस फ्रेम गाइज अगेन हमारे पास एक और फ्रेम है इस फ्रेम का नाम है लेट्स से दिस इज फ्रेम मैं इसको बोलता हूँ गाइज B1 ये फ्रेम कौन सी है एवरीवन ये फ्रेम कौन सी है दिस इज अ फ्रेम B1 तो अभी B1 गाइज मैं फ्रेम A में हूँ फ्रेम A से क्या मैं डायरेक्टली फ्रेम B1 में जा सकता हूँ क्या इज दैट पॉसिबल नो राइट तो हमें सबसे पहले ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम करके फ्रेम A से हमें सबसे पहले आना पड़ेगा फ्रेम B में फ्रेम बी से हमें स्विच करना पड़ेगा उसके चाइल्ड में तो अगेन गाइज यहाँ से फ्रेम बी से हम लोग ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट गाइज हम लोग ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम यूज करेंगे अगेन इस फ्रेम में हम लोग B1 का एड्रेस दे देंगे अभी हम लोग B1 में आ गए तो गाइज इस B1 में मान के चलो यहाँ पर कोई रेडियो बटन है या फिर कुछ बटन है लेट मी टेक यहाँ पर एक कुछ बटन है ये मान के चलो लॉगिन नाम का कुछ बटन है लाइक दिस ये ऐसा लॉगिन नाम का कुछ बटन है हियर ये लॉगिन वाले बटन पे हमें क्लिक करना था तो दिस इज द लॉगिन बटन या फिर ये कुछ टेक्स्ट बॉक्स है इसके अंदर हमें कुछ लॉगिन करना था या फिर क्लिक करना था तो गाइज आप लोग फ्रेम ए में हो ए से सबसे पहले आपको फ्रेम बी में आना पड़ेगा फ्रेम बी से आपको फ्रेम B1 में आना पड़ेगा अभी ये B1 का चाइल्ड ये लॉगिन है तो B1 से आप डायरेक्टली लॉगिन को इंस्पेक्ट कर सकते हो नो इश्यूज और यहाँ पे डिजायर्ड एक्शन आप परफॉर्म कर सकते हो अभी गाइज मुझे फ्रेम बी वन से मुझे फ्रेम बी में जाना है कैसे जाऊंगा मैं फ्रेम B1 से बी में जाना है मुझे तो स्विच टू पेरेंट फ्रेम
तो मैं B1 से उसके पेरेंट फ्रेम में जाऊंगा। अब फ्रेम B से मुझे फ्रेम A में जाना है, फिर मैं क्या करूंगा, फिर से ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट पेरेंट फ्रेम में कर लूंगा। अभी मैं पेरेंट A में आ गया, अभी ये पेरेंट A से मैं पेरेंट सॉरी जो चाइल्ड C है इसमें जा सकता हूँ। लाइक दिस मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। बट एक ट्विस्ट है गाइज यहाँ पर, अगर मैं फ्रेम B1 में हूँ तो इस B1 में से मुझे फ्रेम B में नहीं जाना है, मुझे डायरेक्टली सबका जो पेरेंट है डिफॉल्ट मोस्ट जो पेरेंट फ्रेम है इसमें जाना है, मुझे फ्रेम A में जाना है। फ्रेम B1 से मैं फ्रेम B में जा सकता हूँ, फ्रेम B से मैं फिर फ्रेम A में जा सकता हूँ, इतना मुझे करना है। ये भी मैं कर सकता हूँ, बट गाइज कभी कभी आपको ऐसा सोचना पड़ेगा या फिर कभी कभी ऐसा सिचुएशन आएगा किसी आप मल्टीपल फ्रेम में हो, इस मल्टीपल फ्रेम में से आपको डायरेक्टली चाइल्ड फ्रेम मतलब चाइल्ड मोस्ट बहुत सारे चाइल्ड फ्रेम है, इस चाइल्ड फ्रेम में से सबसे जो पेरेंट मोस्ट फ्रेम है इसके अंदर आपको स्विच करना है। यू वॉन्ट टू स्विच डायरेक्टली फ्रॉम फ्रेम B1 से आपको डायरेक्टली फ्रेम A में जाना है, तो उस केस में क्या हमारे पास कुछ ऑप्शन अवेलेबल है क्या? तो यस, हमारे पास एक और ऑप्शन अवेलेबल है। तो गाइस अगर मुझे फ्रेम B1 से लेट्स से एवरीवन, अगर मुझे फ्रेम B1 से ये फ्रेम B1 से अगर मुझे फ्रेम A में आना है तो यस मेरे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है। एंड दैट ऑप्शन एवरीवन, वो जो ऑप्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना यहाँ पर। लेट मी राइट इट डाउन फॉर योर रेफरेंस गाइस। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से लिखूंगा, दैट इज ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट गाइस, मैं डिफॉल्ट कंटेंट करके फ्रेम आती है, डिफॉल्ट कंटेंट करके एक मेथड आती है, इसका मैं यूज करूंगा। तो डिफॉल्ट कंटेंट क्या करेगा गाइस, ये ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट डिफॉल्ट कंटेंट क्या करेगा, अभी फ्रेम 1 से मुझे फ्रेम B में नहीं लेके जाएगा, फ्रेम B1 से मुझे डायरेक्टली जो फ्रेम A है सबका जो पेरेंट फ्रेम है इस पेरेंट फ्रेम में लेके जाने के लिए मुझे एक मेथड अवेलेबल है जिसका नाम है ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट डिफॉल्ट कंटेंट। तो गाइस आपको पेरेंट या फिर पेरेंट मोस्ट फ्रेम पे जाने के दो ऑप्शंस अवेलेबल है, ये एक है ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट पेरेंट फ्रेम और एक है आपके पास ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट डिफॉल्ट कंटेंट। इन दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ सबको एवरीवन, ये दोनों मेथड के अंदर डिफरेंस क्लियर हुआ क्या? यस गाइस, कोई क्वेरी, कोई कुछ, किसी को कुछ क्वेरी है गाइस? सर डिफॉल्ट कंटेंट के इसमें आर्गुमेंट में कोई एक्सपर्ट वगैरह नहीं रहेगा, नहीं देना है, क्योंकि सबको मतलब डॉम को पता है कि सबका जो पेरेंट फ्रेम जो है सबका डिफॉल्ट फ्रेम पेरेंट मोस्ट ग्रैंडफादर या फिर आप उसको एंसेस्टर बोल लो, जो भी बोलना आपको बोल दो, सबसे जो टॉप मोस्ट फ्रेम है ये टॉप मोस्ट फ्रेम में आपको लेके जाएगा। Yes, because parents से ही हम लोग चाइल्ड में गए हुए हैं तो वो डायरेक्टली उसको पता लग जाएगा कि उसका सबसे ग्रैंड पेरेंट कौन है। राइट यस, अदर्स कोई क्वेरी गाइस, किसी को कुछ क्वेरी इन तीनों मेथड में, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम में, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट पेरेंट फ्रेम में और ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट डिफॉल्ट कंटेंट में, किसी को कुछ क्वेरी है तो बताओ गाइस, अभी बताओ गाइस, एनीवन एनी क्वेरी? सुयोग, आदित्य, दीपक, स्नेहा, आरती, कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन गाइस? ओके गाइस, थोड़ा सा इस इमेज को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो, इससे हमें थोड़ा यू नो आइडिया आ सकता है, यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली गाइस बाय लुकिंग एट दिस। तो गाइस देखो, ये हमारा नॉट अ फ्रेंडली टॉपिक करके एक मेन फ्रेम है, ये मेन फ्रेम है गाइस, पूरा आउट स्ट्रक्चर, ये पेज लेवल है, दिस इज द पेज लेवल। इस पेज लेवल में दो फ्रेम है, एक है आई फ्रेम 1 और एक है आई फ्रेम 2। ये दोनों किसके चाइल्ड है गाइस? ये आई फ्रेम 1 एंड आई फ्रेम 2, ये पेज लेवल।
आपके मेन पेज के चाइल्ड है, तो आप पेज लेवल से आप आई फ्रेम वन में भी जा सकते हो, आई फ्रेम थ्री में टू में भी जा सकते हो, जो कि ग्रीन कलर में दिया है गाइस, इट इज पॉसिबल। आप पेज लेवल से फ्रेम वन में जा सकते हो या फिर फ्रेम टू में जा सकते हो। अभी गाइस देखो इस फ्रेम टू में यहाँ पर कैट करके एक ड्रॉप डाउन दिया है, यहाँ पर फ्रेम वन में ये टॉपिक करके एक टेक्स्ट बॉक्स है, और ये यहाँ पर फ्रेम वन का एक और चाइल्ड फ्रेम है जिसका नाम है आई फ्रेम थ्री, इसके अंदर एक चेकबॉक्स दिया है। तो क्या आप डायरेक्टली पेरेंट मोस्ट जो आपकी टॉप मोस्ट फ्रेम है, क्या इससे आप डायरेक्टली उसके चाइल्ड फ्रेम में जा सकते हो क्या गाइस? तो नो, दैट इज नॉट पॉसिबल। सबसे पहले आपको पेरेंट फ्रेम से उसके चाइल्ड में आना पड़ेगा, इसके चाइल्ड से अगर उसके भी कोई चाइल्ड है उसके फ्रेम में जाना पड़ेगा, विच इज फ्रॉम आई फ्रेम वन आप आई फ्रेम थ्री में स्विच कर सकते हो, दैट इज पॉसिबल। अभी आप आई फ्रेम थ्री हो, यहाँ से आई फ्रेम थ्री से आई फ्रेम टू में जाओगे या फिर आई फ्रेम टू से आई फ्रेम वन में जाओगे तो दैट इज नॉट पॉसिबल अगेन। तो आपको फिर आई फ्रेम, अगर आप आई फ्रेम थ्री हो यहाँ से डायरेक्टली आप, हाँ आई फ्रेम थ्री से डायरेक्टली पेज लेवल पे जा सकते हो, यहाँ पे इन्होंने रेड मार्क दिया गाइस, ऐसा पॉसिबल नहीं है। नो, ये आई फ्रेम थ्री से आप पेज लेवल पे जा सकते हो। अभी वहां पे क्या यूज करना पड़ेगा गाइस आपको? डिफॉल्ट कंटेंट यूज करना पड़ेगा। डिफॉल्ट कंटेंट से आप पेज लेवल में जाओगे, यहाँ से आपको फ्रेम टू में जाना है तो फ्रेम टू में स्विच करो। और ये आपको इंटरव्यू में गाइस डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, मुझे भी आया था, आप भी एक्सपेक्ट कर सकते हो गाइस, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन, डेफिनेटली आता है। आप जितने जितने सीनियर लेवल यू नो पोजीशन पे जाओगे, तो सीनियर लेवल पोजीशन पे गाइस आपको नो सच एलिमेंट या फिर छोटा सा क्वेश्चन तो डेफिनेटली ये नहीं पूछने वाला है, थोड़ा सा कुछ तो ट्रिकी पूछेंगे, दिस इज समथिंग ट्रिकी। और बहुत अच्छी अच्छी बहुत बड़ी बड़ी एमएनसीज कंपनी गाइज इस पे बहुत रिलाई करती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आप अगर स्विचिंग करते हो, अगर आप मुझे पूछोगे हम अलर्ट पे ज़्यादा स्विच करते हैं, क्या हम लोग चाइल्ड विंडो पे ज़्यादा स्विच करते हैं, क्या हम लोग फ्रेम पे ज़्यादा स्विच करते हैं, तो डेफिनेटली गाइज आप लोग फ्रेम में हर दिन बहुत बार एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में स्विच करते रहते हो, डेफिनेटली करते रहते हो, बहुत बार करते रहते हो, तो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इट आप ये कैसे करोगे। सो गाइज यही हमें थोड़ा प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करना है। नाउ लेट्स टेक अ वन मोर एग्जांपल गाइज, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ये डेमो टेस्टिंग करके वेबसाइट है, इस पर मैं जाऊँगा, यर स्विच टू मैं गाइज मैं फ्रेम में जाऊँगा। सो इस फ्रेम के अंदर एवरीवन, ये एक सिंगल फ्रेम है, ये मेरा मेन फ्रेम है, ये मेन फ्रेम से मैं चाइल्ड फ्रेम में जाऊँगा, यहाँ पर चाइल्ड फ्रेम में ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसको मैं प्रॉपरली हैंडल कर सकता हूँ, ये सिंगल फ्रेम को हमने ऑलरेडी एग्जाम्पल ले लिया गाइज इसका, बट अभी हम लोग इसका एग्जाम्पल नहीं लेते, हम लोग आई फ्रेम विद इन एन आई फ्रेम, मल्टीपल आई फ्रेम जो है आई फ्रेम के अंदर आई फ्रेम, इसका एग्जाम्पल लेते गाइज। सो दिस इज समथिंग विच वी आर लुकिंग आउट फॉर। और इस फ्रेम के अंदर गाइज आप लोग याद रखना, इसको आपको स्विच करना आना चाहिए, तो जब भी हम लोग ये पेज ओपन करेंगे तो हम लोग कहाँ पे रहेंगे और हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज मैं क्या कर लूँगा, मैं कुछ जो हमारा कोड है वो कॉपी कर लूँगा। लेट मी टेक वन मोर एग्जाम्पल या फिर वन मोर क्लास हियर, वेरी सिंपल, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लेट्स से माई फ्रेम स्विच, मैं इसको टू बोल देता हूँ, माई फ्रेम स्विच टू बोल देता हूँ लाइक दिस, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन की ज़रूरत है मुझे, एंड आई एम सिंपली गाइज सिंपली आई एम पेस्टिंग इट, मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। वंस आई एम डन विथ इट, मुझे सबसे पहले तो URL अपडेट करना पड़ेगा, सो दिस इज़ वॉट URL आई एम लुकिंग आउट फॉर, ये URL को मुझे इस URL की मुझे ज़रूरत है, सो सिंपली आई एम अपडेटिंग दिस URL एवरीवन, ठीक है। ये URL पे आने के बाद गाइज जब भी मैं इस URL पे आऊँगा तो दो बटन, एक सिंगल फ्रेम है और ये मल्टीपल आई फ्रेम विद इन एन आई फ्रेम, अभी मुझे इस पर क्लिक करना है, लेट्स से आई वॉन्ट टू क्लिक ऑन दिस, तो सबसे पहले मुझे इसको इंस्पेक्ट करना पड़ेगा, आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग। सो ये वाला बटन है गाइस, दिस वन इज द बटन आई एम लुकिंग आउट फॉर, तो इसमें आप टेक्स्ट यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, यू कैन यूज द टेक्स्ट, ठीक है। टैग कौन सा है देखो, एंकर टैग अवेलेबल है, सो दैट एंकर टेक्स्ट इज इक्वल्स टू, एंकर टेक्स्ट इज इक्वल्स टू सिंगल कोट में जस्ट पास दिस आई फ्रेम, जस्ट पास दिस आई फ्रेम एंड दैट्स इट गाइज, सॉरी जो भी वैल्यू, आई फ्रेम नहीं वैल्यू, जो वैल्यू है आपका टेक्स्ट का वैल्यू वो पास कर दो, दैट्स इट गाइज, ये आपको वेब एलिमेंट मिल गया। अभी ये मेरा डिफॉल्ट फ्रेम पे है कि नहीं एवरीवन,
दिस बटन इज ऑन द डिफॉल्ट फ्रेम, एम आई राइट एवरीवन? दिस इज योर पेज, इस पेज के डिफॉल्ट फ्रेम में ये आपका बटन है. सो मुझे इस डिफॉल्ट फ्रेम के अंदर मुझे स्विच करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मेरा कंट्रोल फिलहाल तो डिफॉल्ट फ्रेम पे ही है. नाउ हियर गाइस, मैं इस पे सबसे पहले इस वेब एलिमेंट को फाइंड आउट करूंगा. ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट मेथड का यूज करूंगा. यहाँ पर बाई डॉट एक्सपाथ यूज करेंगे हम लोग. इस एक्सपाथ के अंदर गाइस सिंपली वी कैन पास द एक्सपाथ वॉट एवर वी हैव फाउंड एंड लेट मी स्टोर इट. मैं इसको बोलता हूँ वेब एलिमेंट इनलाइन आई फ्रेम, लाइक दिस इनलाइन आई फ्रेम बटन, लाइक दिस इनलाइन आई फ्रेम बटन लाइक दिस. मैंने इसको स्टोर कर दिया. वेब एलिमेंट को इम्पोर्ट कर लो फ्रॉम सिलेनियम. ठीक है, अभी ये इनलाइन आई फ्रेम बटन पे मैं सबसे पहले क्लिक करूंगा. वंस आई क्लिक ऑन इट, मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूंगा गाइस, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, तो इस पे क्लिक करने के बाद, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद क्या हो जाएगा आप देखो खुद से कि ये आप यहाँ पर हो. इनिशियली ये बटन सिलेक्टेड, इस पे क्लिक करने के बाद ये फ्रेम इनेबल्ड हो जाएंगे लाइक दिस. तो यहाँ पे इज इनेबल्ड वगैरह आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज नो नीड, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो. सो सबसे पहले गाइस मुझे इस फ्रेम में आना है. आई वॉन्टेड टू एंटर इनसाइड दिस फ्रेम. मुझे इसकी जो चाइल्ड फ्रेम है, डिफॉल्ट फ्रेम की जो चाइल्ड फ्रेम है, इसके अंदर आना है. सो वॉट एंड हाउ एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू डू दैट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो गाइज ये कहीं पे ये मेरा डिफॉल्ट फ्रेम का कंटेंट है. इसके अंदर समवेयर हियर, सॉरी दिस एक्सपाथ, वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस एक्सपाथ नाउ एनी मोर. इसके बाद गाइज कहीं पे यहाँ पर हमारा फ्रेम स्टार्ट हो जाएगा. यू नीड टू अंडरस्टैंड इट, कहीं पे हमारा फ्रेम स्टार्ट हो जाएगा. सो ये डिव स्टार्ट हो गया, दिस इज डिव. नाउ समवेयर हियर गाइज ये आपका आई फ्रेम है. तो अगर आप देखोगे तो ये डिव टैग है, और डिव टैग के ऊपर आपका डिफॉल्ट फ्रेम है. तो डिफॉल्ट फ्रेम में ये डिव टैग है, ये डिव टैग के अंदर आपका जो सारी पॉसिबल चीज़ें वो है. इसी डिव टैग के अंदर गाइज देयर इज वन मोर आई फ्रेम अवेलेबल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू टेक द एक्सपाथ ऑफ दिस पर्टिकुलर आई फ्रेम. गाइज हमें इस आई फ्रेम का एक्सपाथ लेना पड़ेगा, हमें इस एक्सपाथ को फाइंड आउट करना पड़ेगा. ठीक है, सो सबसे पहले इस आई फ्रेम में क्या अवेलेबल है देखो. तो इस आई फ्रेम में एस आर सी एट्रीब्यूट अवेलेबल है, यू कैन टेक द एस आर सी एट्रीब्यूट. सो लेट्स फाइंड इट आउट. मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ गाइज, एंड सिंपल मैं आई फ्रेम मैं इसको क्या था, ये एस आर सी एट्रीब्यूट था राइट, एट द रेट एस आर सी इज इक्वल टू सिंगल कोट में आई कैन पास दिस एंड डन. तो मुझे ये आई फ्रेम मिल रहा है. ऑलराइट एवरीवन, ये मेरा फर्स्ट आई फ्रेम है. ये फर्स्ट आई फ्रेम मैं फाइंड आउट कर लूँगा, आई कैन फाइंड आउट दिस आई फ्रेम. सो मैं यहाँ पर आ गया गाइस, ड्राइवर डॉट मैंने स्विच टू डॉट मैंने फ्रेम कर लिया. इस फ्रेम के अंदर ओके, बिफोर दैट हमें इंडेक्स वगैरह पास करना ही नहीं, तो एक वेब एलिमेंट पास करना है. सो द फर्स्ट थिंग I'll be doing, मैं यहाँ पर driver dot find element करूँगा. find element में मैं by dot xpath का use करूँगा. इस xpath में everyone, inside this xpath I can pass this xpath. मैं इसको बोलूँगा web element let's say multiple frame like this. मल्टीपल फ्रेम करके ऐसे बोल दूंगा, इनिशियल लेटर शुड बी स्मॉल, सो मल्टीपल फ्रेम ऐसे करके मैं दे दूंगा. नाउ एवरीवन, ये जो मल्टीपल फ्रेम है एज एन वेब एलिमेंट मैं यहाँ पर पास कर दूंगा. दैट इज आई एम स्विचिंग फ्रॉम पेरेंट टू इट्स चाइल्ड, मैं उसके पेरेंट से चाइल्ड पे चले गया. तो गाइस इस चाइल्ड में आने के बाद फ्रॉम दिस पेरेंट, इस पेरेंट से मैं चाइल्ड में आ गया यहाँ पर. अभी इस चाइल्ड के अंदर अगर आप देखोगे यू हैव वन मोर आई फ्रेम. इसके अंदर आपको एक और आई फ्रेम डेफिनेटली मिलना चाहिए. यू नीड टू फिगर इट आउट ये कहाँ पर है, ये आपको ढूंढना पड़ेगा. सबसे पहले तो ये आपको ढूंढना पड़ेगा कि ये आई फ्रेम एग्जैक्टली कहाँ पे अवेलेबल है. ठीक है, सो गाइस ये बॉडी टैग अवेलेबल है, दिस इज अ स्क्रिप्ट टैग. सो
ये आई फ्रेम खत्म हो रहा है यहाँ पे। इस आई फ्रेम के अंदर ही एक आई फ्रेम है। आई थिंक यू गाइज वुड बी एबल टू फाइंड इट आउट लाइक दिस। ऐसे भी कर सकते हो आप, इस तरीके से करोगे तो हियर यहाँ पर आप जाके यहाँ पर आपको आई फ्रेम मिल जाएगा। नाउ यू कैन ऑब्जर्व इट कि ये सिंगल फ्रेम है, दिस वन सिंगल फ्रेम। सो आई टेक इट यहाँ पर मल्टीपल फ्रेम के जगह पे। एवरी वन आई कैन पास इट लाइक दिस कि ये सिंगल आई फ्रेम है, लाइक दिस। मैंने ये सिंगल आई फ्रेम करके मैंने पास कर दिया। ओके एंड वी हैव अ आईडी फॉर इट एज वेल। हमारे पास आईडी भी अवेलेबल है, सो वी कैन टेक दैट आईडी का एडवांटेज एज वेल। वी कैन टेक द आईडी का एडवांटेज एज वेल एज अदरवाइज वी हैव एसआरसी एट्रीब्यूट। जो भी आपको गाइस इसकी ज़रूरत है जस्ट टेक इट। तो मैं इसका यूज़ कर लूँगा। आई'ल जस्ट टेक हेल्प ऑफ इट। तो यहाँ पर गाइस वन मोर थिंग, फिर से मैं driver dot मैं स्विच टू करूँगा। स्विच टू करके सॉरी, सबसे पहले तो वेब एलिमेंट हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, इनसाइड द फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्सपाथ यूज करेंगे। इनसाइड दैट एक्सपाथ वी कैन पास दिस एक्सपाथ, वी कैन पास दिस एक्सपाथ। और सबसे पहले ये जो वेब एलिमेंट है इसको इसमें स्टोर करना पड़ेगा। वेब एलिमेंट लेट्स से सिंगल फ्रेम, सिंगल फ्रेम करके हमने इसको स्टोर कर दिया लाइक दिस। नाउ अगेन गाइस मैं वहां पे वन ऑफ टू आ रहा था ना, हाँ चल जाता है उसमें, इशू नहीं है उसका। ड्राइवर डॉट हमें स्विच टू करेंगे। स्विच टू में द वन थिंग हम लोग करेंगे दैट इज स्विच टू डॉट फ्रेम। इस फ्रेम में ये जो मल्टीपल फ्रेम है, ये मल्टीपल फ्रेम में नहीं कर, इस मल्टीपल फ्रेम ये जो पेरेंट फ्रेम है इससे, ये जो सिंगल फ्रेम है ये इसका चाइल्ड है। तो ये चाइल्ड का एक्सपाथ मैं यहाँ पर पास कर दूंगा, दैट्स इट। सो मैं अभी चाइल्ड पे स्विच हो गया। एवरीवन मैं आई फ्रेम से मैं उसके पेरेंट पे हो गया, पेरेंट से मैं चाइल्ड पे हो गया। ये yes, आपका जो क्वेश्चन था वो करेक्ट है कि इसमें वन ऑफ टू मैचिंग है, बट द रीजन इज कि इस पेज पे ये सिंगल फ्रेम जो है इस पे भी ये फ्रेम अवेलेबल है, दैट्स द रीजन इट इज शोइंग वन ऑफ टू। ठीक है, बट हम लोग जब इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये डिफॉल्टली उस पेज पे ही क्लिक कर देगा आपको, उस पर्टिकुलर फ्रेम पे ही क्लिक करके देगा। यस यस ठीक है। ऑलराइट, सो हम लोग गाइस डिफॉल्ट फ्रेम में थे। डिफॉल्ट फ्रेम पे ये बटन था, इस पे क्लिक किया, इससे हम लोग इसके चाइल्ड में गए, चाइल्ड फ्रेम में गए। इस चाइल्ड फ्रेम का एक और चाइल्ड फ्रेम था जो कि सिंगल फ्रेम है, इस सिंगल फ्रेम में हम लोग चले गए। नाउ इनसाइड दिस गाइस, इनसाइड दिस पर्टिकुलर आई फ्रेम ये पर्टिकुलर बॉक्स अवेलेबल है, दैट इज इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट अवेलेबल है, दिस वन इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। तो इसमें आप कुछ भी फिलअप करना चाहते हो दैट यू गाइस कैन फिलअप, वेरी सिंपल। तो मैं डबल स्लैश इनपुट टैग ले लेता हूँ, इनपुट में टाइप इज इक्वल टू जो भी था टेक्स्ट, आई कैन टेक दैट। ओके सॉरी, एट द रेट टाइप आना चाहिए, एट द रेट type is equals to text, that's it. तो ये हमें one of two मिल रहा है, because again guys single frame पे भी यहाँ पर ये text box रहेगा, that's the reason it is showing you one of two matching. ठीक है, so now you can take this XPath, very simple. आप एक ये XPath ले लो, ये web element let's say text box करके मैं इसको store करता हूँ, is equals to driver dot find element, driver dot find element method है। फाइंड एलिमेंट के अंदर गाइज हम लोग बाई डॉट एक्सपाथ पास करेंगे। इन साइड दैट वी कैन पास दिस एक्सपाथ, वी कैन पास दिस एक्सपाथ, दैट्स इट एवरी वन, दैट्स इट। ये टेक्स्ट बॉक्स डॉट, टेक्स्ट बॉक्स डॉट, हम लोग अगर इसमें सेंड कीज यूज करेंगे तो दैट विल, लेट्स से गाइज यहाँ पर हम लोग करते हैं फ्रेम स्विचिंग करके हमने टाइप कर दिया लाइक दिस। आप जो भी करो ऑटोमेशन टेस्टिंग, जो भी आपको करना, आपका नाम व्हाटएवर यू वांट टू पास, यू कैन पास इट। तो इस तरीके से मैंने गाइस इसमें स्विच कर दिया लाइक दिस। नाउ नाउ गाइस इसको अगर मैं रन करूंगा तो डेफिनेटली देखना ये वर्क करेगा, इट शुड वर्क, क्योंकि मैं डायरेक्टली चाइल्ड पे नहीं जा रहा हूँ, पेरेंट से उसके चाइल्ड में जा रहा हूँ, फिर उसके बाद उसके चाइल्ड में हम लोग जा रहे हैं। ठीक है एवरीवन, देखो ये फ्रेम स्विचिंग हुआ कि नहीं हुआ एवरीवन, यस और नो? ये सुनो, बट कहीं पे हम लोग अगर, जैसे कि हम लोग इस पेरेंट से मैं ये वाले चाइल्ड में आ गया और मैंने समझ लिया कि इतना ही है, इसके आगे कोई फ्रेम नहीं है और ये स्विच नहीं कर रहा, मान के चलो मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया, तो
अगर ये मैं करूंगा तो ये प्रोग्राम आपका अब की बार एग्जीक्यूट डेफिनेटली नहीं होगा, आपको नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आएगा आफ्टर जो भी आपने टाइम आउट वगैरह दिया इम्प्लिसिट वेट में, वो खत्म हो जाएगा और आपको नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आ जाएगा। देखो दिस वोंट वर्क, दिस वोंट वर्क, क्लियर है गाइस सबको? क्यों वर्क नहीं कर रहा है? बिकॉज आप डायरेक्टली डिफॉल्ट फ्रेम से आप चाइल्ड में नहीं जा सकते, डिफॉल्ट से उसके चाइल्ड में, उसके चाइल्ड से अगर कोई चाइल्ड है देन दैट्स हाउ एग्जैक्टली यू नीड टू मूव। यहां पर देखो नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आ जाएगा एवरीवन। इफ यू कैन स्क्रोल इट अप, दिस इज योर एक्सेप्शन दैट नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, राइट? एंड अगर आप ये प्रॉपरली स्विचिंग करते हो तो यू कैन डेफिनेटली यू कैन अचीव इट एवरीवन, यू कैन अचीव इट। अगर आपको पेरेंट फ्रेम में जाना है गाइज, अभी आप देखो यहाँ पर आप सिंगल फ्रेम में हो, सिंगल फ्रेम का पेरेंट फ्रेम है ये मल्टीपल फ्रेम, तो अगर आप स्विच टू डॉट पेरेंट फ्रेम करते हो तो पेरेंट फ्रेम से आप यहाँ पर जाओगे, यू विल लैंड अप हियर, यहाँ से फिर से आपको पेरेंट फ्रेम स्विच करके फिर जाना पड़ेगा, देन यू कैन कम अप हियर एंड यू कैन क्लिक ऑन दिस बटन। ओके लेट मी सी, लेट मी टेक अ एक्सपाथ ऑफ इट, मैं सिंगल आई फ्रेम करके जो बटन है इसका एक्सपाथ ले लेता हूँ गाइस। ये भी अगेन एंकर टैग है, सो दैट एंकर टैग, एंकर टैग में हम लोग टेक्स्ट इज इक्वल्स टू लाइक दिस, हम लोग इसको ले लेते, वैल्यू को ले लेते, दैट्स इट। सो यहाँ पर एवरीवन मैं इसको अगेन स्टोर करता हूँ एक वेब एलिमेंट में, वेब एलिमेंट लेट्स से सिंगल सिंगल फ्रेम फ्रेम बटन लाइक दिस, सिंगल फ्रेम बटन, ओके। एंड इसमें मैं बोलता हूँ ड्राइवर डॉट ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, फाइंड एलिमेंट में हम लोग बोलेंगे बाई डॉट एक्सपाथ, और एक्सपाथ के अंदर गए सिंपली वी कैन पास दिस एक्सपाथ जो भी हमने फाइंड आउट किया था, दैट एक्सपाथ वी कैन फाइंड आउट। और गाइस मैं इस पर क्लिक करने जा रहा हूँ, आई वॉन्ट टू क्लिक ऑन इट, मैं अभी चाइल्ड मोस्ट फ्रेम में हूँ और ये मेरा डिफॉल्ट फ्रेम में है, तो इस पे जाने के दो तरीके आपको पता है, हाउ टू एग्जैक्टली यू नो रीच आउट टू दैट पर्टिकुलर थिंग, वहाँ तक कैसे पहुँचना आपको पता है, सो दैट लॉजिक यू नीड टू अप्लाई हियर। अगर आप देखो सिंपली मैं यहाँ पर करता हूँ ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट, मैं पेरेंट फ्रेम कर रहा हूँ, तो मैं सिंगल फ्रेम से गई मल्टीपल फ्रेम वाले पेरेंट में जाऊंगा, क्या मैं डिफॉल्ट फ्रेम में गया हूँ क्या? No. नहीं, राइट? तो ये मुझे बट ऑब्वियसली नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन देना चाहिए इसने, ठीक है? लेट्स ट्राई इट आउट, लेट्स ट्राई इट आउट। तो अगर हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो वी विल कम टू नो कि वो हमें नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, फिर हम लोग दो बार पेरेंट फ्रेम यूज करके देखेंगे, फिर भी हमारा काम हो जाएगा, और लास्ट में हम लोग डिफॉल्ट फ्रेम वाला भी कॉन्सेप्ट करेंगे एंड दैट कैन हेल्प अस आउट। तो देखो अभी भी गाइस हमारा कंट्रोल यहाँ पर है, इस बटन से यहाँ पर नहीं गया है, बिकॉज आप ये वाले सिंगल फ्रेम से आप पेरेंट फ्रेम में गए और यहाँ पर ये ढूंढने का ट्राई कर रहा है कहाँ पे ये सिंगल आई फ्रेम नाम का बटन है क्या, इसको नहीं मिलेगा, टाइम आउट खत्म हो जाएगा और आपको एक्सेप्शन आएगा, दैट इज नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन दैट इज हियर गाइस, ठीक है? तो अभी आप अगर पेरेंट फ्रेम में हो, इफ यू आर इन दिस पेरेंट फ्रेम, इसका भी पेरेंट फ्रेम है जो डिफॉल्ट फ्रेम है, यहाँ पर जाना फिर ये क्लिक होगा। सो अगेन गाइस फिर से आपको ये ही स्टेटमेंट एक और बार रिपीट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, यस और नो? यस और नो एवरीवन? नाउ इफ यू रन इट दिस डेफिनेटली वर्क, दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू वर्क। एंड इसका अल्टरनेटिव आपको पता है कि अगर आपको दो बार पेरेंट फ्रेम नहीं यूज करना है, चलो एक दो फ्रेम ठीक है, देखो गाइस ये सिंगल फ्रेम पे क्लिक हुआ कि नहीं हुआ, यस और नो? यस, राइट? सो ये सिंगल फ्रेम पे क्लिक हो गया है आपका, ये अगर आपको नहीं करना है गाइज, इतने बार आपको पेरेंट स्विचिंग नहीं करना है, सिंपल इंस्टेड ऑफ दिस टू लाइंस गाइज हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, सिंपली व्हाट वी कैन यूज, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट डिफॉल्ट कंटेंट, डिफॉल्ट कंटेंट, राइट? दैट्स इट, इसको यूज करो, रन इट एवरीवन, दिस शुड डेफिनेटली वर्क, ये आपका डेफिनेटली वर्क करना चाहिए। सो दैट्स व्हाट गाइज, Here are all type of switching is done. देखो यहाँ पे क्या टाइप किया, then again single frame पे आ गया, done. Any question here? Anyone? Any question? No sir. कुछ question है क्या?
ऑलराइट सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट फ्रेम स्विचिंग. तो फ्रेम स्विचिंग में दो तीन कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. एक तो ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम, ये आप चाइल्ड विंडो पे जाने के लिए करोगे. अभी पेरेंट विंडो पे जाने के दो तरीके हैं. एक तो आप ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट पेरेंट फ्रेम के थ्रू भी जा सकते हो, या फिर ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट डिफॉल्ट कंटेंट के थ्रू जा सकते हो. सो कौन सा कहाँ पे यूज करना है दैट इज अप टू यू. मैंने आपको दोनों तरीके बताए, तो ये अभी आपके ऊपर, आपके लॉजिक के ऊपर डिपेंड करेगा हाउ एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू मूव और हाउ एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू शिफ्ट. एनी मोर क्वेश्चन गाइस? एनी मोर क्वेश्चन? एनीवन? यस अनिल, कुछ क्वेश्चन? सुयोग, दीपक, आदित्य? नो. अदर्स? स्वात, स्नेहा, आरती, कुछ क्वेश्चन है? इंद्रेश सर? राइट. सो दैट्स वॉट ऑल अबाउट गाइज फ्रेम स्विचिंग. सो आप सबसे ज्यादा फ्रेम स्विचिंग के ऊपर फोकस करोगे, फ्रेम स्विचिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करोगे एवरीवन. सो यू नीड टू डू इट, यू नीड टू डू इट बाई योर सेल्फ. आई बी पोस्टिंग दिस स्नैप्स फॉर योर रेफरेंस. तो ये आपको गाइज आज खुद घर पे ट्राई करना है.